उत्तराखंड में आज कोरोना के 48 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 23, अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 3, चमोली में 1, चंपावत में 3, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 3, टिहरी गढ़वाल में 2, उधमसिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं खबर आई है पुलिस के हाथे चढ़ा बाइक चोर चूहा, एक और साथी भी हुआ गिरफ्तार। उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रुद्रपुर क्षेत्र में 3 और यूपी के पीलीभीत जिले से बाइक चुराई थी। चुराई हुई बाइकों को आरोपी यूपी में औने पौने दामों पर बेच दिया करते थे। उत्तरकाशी में 1.5 लाख की स्मैक बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी पुलिस ने 1.5 लाख की स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चारों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मसूरी झील में मिला श्रीनगर की सोनाली का शव, हत्या आत्महत्या में उलझी पुलिस। तो मसूरी की झील से एक किशोरी का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान श्रीनगर के श्रीकोट निवासी सोनाली के रूप में हुई है। पुलिस और अधिक जानकारी के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से जाँच कर रही है। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में ITBP जवान की मौत। तो हल्दी चौड़ स्थित 34वीं ITBP कंपनी में तैनात एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जवान के सिर पर चोट आने से उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के बलबूते पाई नौकरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो लक्सर खानपुर पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्रों के बलबूते शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। हरिद्वार जिला चिकित्सालय में खस्ता हाल, डीप फ्रीजर खुले में रखे जा रहे शव। तो हरिद्वार जिला चिकित्सालय में रखे गए डीप फ्रीजरों में से अधिकतर खस्ता हालत में है। इस कारण पोस्टमार्टम के साथ ही शवों को रखने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड इलेक्शन मतगणना के लिए तैयार, निर्वाचन आयोग कर्मचारियों को दी ट्रेनिंग। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की 10 मार्च को मतगणना होनी है, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कर्मचारियों को ट्रेनिंग 3 दौर में दी जाएगी। दूसरी तरफ पौड़ी में 10 मार्च को लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। मतगणना से पहले 7 मार्च को BJP की बड़ी बैठक, कैलाश विजयवर्गीय पर गोदियाल ने ली चुटकी। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आने वाले हैं। मतगणना से पहले 7 मार्च को BJP बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। वफादार यारी, तो अपने डॉगी संग 200 घंटे का सफर तय कर यूक्रेन से दून पहुंचा ऋषभ, OTT में मिला ऑफर। तो देहरादून निवासी ऋषभ कौशिक अपने डॉगी मालिबू के साथ घर पहुंच चुके हैं। ऋषभ डॉगी के साथ शुक्रवार की सुबह बुडापेस्ट हंगरी के रास्ते भारत पहुंचे। घर पहुंचने पर उनकी दादी ने दोनों को तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं जानवर के प्रति ऋषभ का प्रेम देखकर उनको एक OTT प्लेटफॉर्म से डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑफर भी आया है। वंशिका हत्याकांड में सामने आई पुलिस की लेट लतीफी, हत्या से पहले पिस्टल लिए घूमता रहा हत्यारा। तो वंशिका हत्याकांड में देहरादून पुलिस की लेट लतीफी सामने आई है। आरोपी युवक हत्याकांड को अंजाम देने के पहले सड़क पर पिस्टल हाथ में लिए 15 से 20 मिनट तक घूमता रहा। युवक की इस हरकत पर स्टोर संचालित साक्षी ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इंटर कॉलेज की छात्रा ने शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। तो पौड़ी से खबर आई, पौड़ी जिले के रिखणी खाल ब्लॉक में पढ़ने वाली 12वीं की क्लास की छात्रा ने अति शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले में अभी तक छात्रा की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई।